जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 के बारे में। आइए देखते हैं क्या होता है ये इंडेक्स, कौन जारी करता है और भारत की रैंकिंग क्या है। वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो 34वां, इसे याद रखिएगा। रियल इस्टेट बाजार से जुड़े नियामकीय सुधार, बाजार से जुड़े बेहतर आंकड़े और हरित पहलों के चलते देश की रैंकिंग में एक अंक की सुधार हुई। यानी पिछले साल इसकी रैंकिंग थी 35वीं, इस साल 34वीं 2020 में। वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी JLL इस द्विवर्षीय सर्वेक्षण को करती है, दो साल में एक बार किया जाता है। JLL द्वारा इसका सर्वेक्षण होता है। JLL के CEO और कंट्री हेड इंडिया में कौन है, रमेश नायर हैं। उन्हें बताया कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक पारदर्शिता सूचकांक यानी ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में लगातार सुधार देखा। देश के रियल इस्टेट बाजार को वैश्विक स्तर पर आंशिक पारदर्शी श्रेणी में रखा गया। कुछ श्रेणियां बनाई जाती हैं, उसमें आंशिक पारदर्शी श्रेणी जो है उसमें रखा गया है, यानी पार्शियल ट्रांसपेरेंसी लिस्ट में। JLL के CEO और कंट्री हेड जो रमेश नायर जी हैं, उन्होंने बताया कि वास्तव में इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम, इनके साथ हम उन देशों में से एक हैं जिन्होंने सकारात्मक सरकारी समर्थन और पारदर्शिता के उन्नत पारिस्थितिकी तंत्र के कारण अधिकतम सुधार देखा है। विशेष रूप से अगर भारत की बात करें तो भारत में पारदर्शिता के लिए राष्ट्रीय REIT ढांचे का एक बड़ा योगदान रहा है। भारत की रैंकिंग साल 2018 में 35 थी, साल 2016 में अगर देखा जाए तो 36, साल 2014 में 39 थी। देश के रियल इस्टेट बाजार को वैश्विक स्तर पर आंशिक पारदर्शी श्रेणी में रखा गया, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। सूचकांक में कुल कितने देश शामिल थे, तो 99 देश थे इनकी रैंकिंग की गई। इसमें शीर्ष स्थान पर ब्रिटेन रहा, इसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और कनाडा, ये टॉप 5 कंट्रीज रहे हैं। भारत के पड़ोसी देशों की अगर बात की जाए तो चीन की रैंकिंग इसमें रही है 32वीं, श्रीलंका 65वें, पाकिस्तान 73rd 73वें। ये शीर्ष 10 देशों में को उच्च पारदर्शी श्रेणी में रखा जाता है, माना जाता है कि उच्च पारदर्शी श्रेणी है। 11 से 33 वालों को पारदर्शी श्रेणी में रखा जाता है। और देखा जाए तो सूचकांक डेटा उपलब्धता, इसकी प्रामाणिकता और सटीकता सार्वजनिक एजेंसियों के साथ साथ रियलिटी क्षेत्र के हितधारकों, लेन देन प्रक्रियाओं, नियामक और कानूनी माहौल सहित संबंधित लागत एवं विभिन्न कारकों का मूल्यांकन करते हुए पारदर्शिता का आकलन किया जाता है इसमें, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख सुधारों के प्रयास और भारतीय अचल संपत्ति में लगातार सुधार के प्रभाव ने वैश्विक निवेशकों को उत्साहित किया। संपत्ति दो तरह की होती है, अचल और चल। अचल मतलब मूवेबल, जो मूवेबल संपत्ति है उसमें, और सॉरी नॉन मूवेबल अचल, और चल है जो मूवेबल होती है। तो अचल संपत्ति में सुधार किए गए हैं, उसके प्रभाव से वैश्विक निवेशकों को उत्साहित किया गया। संस्थागत निवेश ने पिछले 3 वर्षों में सालाना $5 बिलियन का एक नया मानदंड बनाया है। केंद्र सरकार का साल 2020 तक सभी के लिए आवास प्रदान करने का जो उद्देश्य नियामक और राजकोषीय प्रोत्साहनों के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है, और साथ ही किफायती आवास निवेश के लिए संप्रभु धन निधियों को कर लाभ प्रदान कर रहा है। रियल्टी क्षेत्र में रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 यानी रेरा जो है, GST बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम 2016, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण जैसे प्रमुख संरचनात्मक सुधारों ने अधिक पारदर्शिता लाई है। कई सुधार जो किए गए जैसे रेरा में सुधार, GST सुधार, बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम 2016, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, भूमि अभिलेखों में डिजिटलीकरण जैसे सुधार सामने हैं। ये कुछ साल पहले काफ़ी हद तक अनियमित क्षेत्र था। आई होप आप लोग को इसमें कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही आप चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।